हर जगह राख है भाई, ये सारे पौधे जो है यहाँ पर जले हुए। दुआ कर रहा हूँ कि कोई बर्फ शरफ हो जाए, कोई लाख शलाख बर्फ ने भी बनाई छोड़ा है, वही कह चल ना वह बर्फ वही कह। कोई तरीका है भीख मांगने का? स्टार्ट ही Hey, y'all come look at this. Starty? Nee start. Nee start. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का। और इंशाल्लाह हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह जो है वो ग्रो करेंगे आप सबके सपोर्ट के साथ। और एक दफ़ा फिर से मैं आप सबका जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहे। सो जी, अब कोशिश यही है कि जल्दी से जो है वो हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए, और लेट्स सी कि चैनल जो है वो कब मोनेटाइज होता है। अभी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, बहरहाल इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। आज इतवार का दिन है और अभी घर पर मौजूद हूँ और अपने व्लॉग को यहाँ से स्टार्ट किया, और देखते हैं आज के हमारा जो दिन है वो कैसा गुजरता है। बहरहाल जी, अभी मेरा एक कज़न है जवाद, कुछ दिन पहले जो है वो बल्कि एक दो माह पहले सऊदीया से आया, सो उससे अभी रब्ता हुआ, वो आ रहा है। तो हम जो है यहीं पर घर के पास एक जगह है, उसको बोलते हैं सरोड़ा, तो सरोड़ा जा रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह। मैं इंशाल्लाह अभी चलता हूँ और आपको उसका जो है वो विज़िट करवाता हूँ, बस जो आज एक दफ़ा आ जाए जी। मरी और बुरबन में जो है वो बारिशों की शदीद किल्लत है, बारिशें नहीं हो रही और कोई जो है इस साल मूड नहीं लग रहा बर्फ़ का भी, जिसकी वजह से जो है वो मौसम जो है बड़ा खुश्क हुआ है और हर बंदा बीमार हुआ है। और ये आप सामने देख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में जब घास जो है वो सूख जाता है तो कुछ जो है वो जिनको बहुत तकलीफ़ होती है, कुछ छोटे बच्चों का, वो इसको आग लगा जाते हैं। और ऑलमोस्ट हर जगह जो है वो जली हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये जो पीक देख रहे हैं आप, ये वनेरी की पीक है जहाँ का व्लॉग हमने बनाया था। ये जले हुए जंगल और हर जगह जो है वो आग के निशान, ये तकरीबन आपको मरी में और भुरवन में हर जगह ही आपको मिल जाएंगे। पता नहीं क्या खुशी मिलती है किसी को इन सबको जलाकर। बहरहाल जी, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई साहब रैम करो, बहुत तो संग की तकलीफ ही, कर कोई चीज़ अंगीठी शंगीठी बाली गिनो, बस इन्हें जंगलात की मत साड़ो। और ये रहा जी हमारा एक अमलूक का दरख्त, ये बहुत पुराना दरख्त है, इवन के जब हम छोटे होते थे तो इस दरख्त के साथ जो है वो रस्सी बांध के जो है हम झूला झूला करते थे, और अभी अमलूक इसके साथ लगे हुए, पके हुए अमलूक। जवाद भाई आ चुके हैं और हमने जो है वो अपनी मंजिल की तरफ सफ़र बांध लिया, जल्दी हम इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जवाद भाई, और फिट फाट कैसी गुजर रही है? ज़बरदस्त गुजर रही है आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहरहाल जी, इस पॉइंट से भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर जगह पर आग लगी हुई है। क्या साड़े आए बनी, क्या हर की क्या साड़े आए, छोटे छोटे बच्चे यकीन कर रहा है कि साड़ी है। इस जगह पर हमने बहुत क्रिकेट खेली है, आपने खेली है कभी जवाद भाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इधर बड़ी क्रिकेट खेली है, हाँ, सुबान भाई होते थे, जिशान भाई, सारे जो है यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। देखने में तो ये जगह बड़ी मुश्किल लग रही है क्रिकेट के लिए, बट यहाँ पर भी जो है वो हमने क्रिकेट खेली है। थोड़ी ऊँची हो गई है, ऐसा ही है, पहले थोड़ी बराबर होती थी, यहाँ पर जो है छक्का होता था इस तरफ, और बहुत क्रिकेट खेली है इस जगह पर आके हमने। सो जी, अभी जिस जगह से हम गुजर रहे हैं इसको बोलते हैं ठिल, और यहाँ पर जो है एक ठिल की बहुत ही पुरानी मस्जिद है, मशहूर मस्जिद, हाँ मशहूर मस्जिद है। अभी पहले, तो पहले यहाँ पे रोड खत्म होती थी, अभी भी खत्म हो रही है, थोड़ा सा एरिया खाली है, तो फिर आगे से दोबारा इसको स्टार्ट किया, ऐसा ही है, बल्कि नीचे से स्टार्ट किया इसको। बिल्कुल, पहले जो है वो रोड यहाँ पर ख़त्म हो जाती थी, जैसा जवाद भी बता रहे थे, अभी जो है वो रोड यहाँ नीचे से आगे जो गांव है उनको भी टच किया जा सके। इवन के ये जो रोड है आई थिंक अलियोट के साथ जाके टच होगी, डाक बंगला है बस, अलियोट का जो सफ़र है वो बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा कम हो जाएगा। सो जी, अभी जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको ठिल बोलते हैं, और ये रही ठिल की एक मस्जिद, ये बड़ी पुरानी मस्जिद है, अभी तो जो है इसको
तैयार करके माशाल्लाह बहुत एक खूबसूरत लुक दी गई है। और अगर यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर से आप देख सकें तो आपको पूरा जो गांव है यहाँ पर ये नज़र आता है। इवन कि मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको फगवाड़ी बहुत क्लियरली नज़र आता है, नम बहुत क्लियरली नज़र आता है। और इवन के बारिशों के दिन होते हैं और जब भाव जो है वो ज़्यादा होता है उसका दरिया का, तो इवन के दरिया भी यहाँ से इस पॉइंट से नज़र आता है। बट अभी बारिशें नहीं हो रही और जिसकी वजह से हर चीज़ धुंधली हुई है, तो ना तो आई थिंक नम क्लियरली नज़र आ रहा है। इवन के कश्मीर की पहाड़ियाँ नज़र आती होती हैं यहाँ से, वो भी क्लियरली नज़र नहीं आ रही। बट ये जो पॉइंट है, ये जो जगह है, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहुत खूबसूरत पॉइंट है। जी नीचे से रोड भी जा रही है और यहाँ से जो है एक कच्चा रास्ता भी जा रहा है। हम जो है उस कच्चे रास्ते को फॉलो करते हुए बढ़े हैं आगे और थोड़ा सा ही रह गया, 2-3 मिनट लगेंगे और हम सरोड़ा पर पहुँच जाएंगे। सरोड़े पर क्या आखने यार, इसकी सरोड़े या सरोड़ा, सरोड़ा सरोड़े सरोड़े पर पहुँच जाएंगे जी। हाँ बिल्कुल जी, हमारी आबाई जगह, हमारे दादा जान की जगह जो है यहाँ पर मौजूद है। हाँ ये जगह भी जो है वो आग की लपेट में रही है और आग से नहीं बच सकी, बट इसे कुछ नहीं हुआ। जवाब चनट्टी। अच्छा दो चीज़ें होती हैं, एक होती है, एक होता है खिंगला और एक होता है चनट्टी। खिंगले को जो है वो बहुत जल्द आग लगती है और इवन के असल में वो हमारी जुबान में बोलते हैं जेगन। हाँ जेगन ज़्यादा होता है, वो जल्दी आग पकड़ लेता है, बहुत जल्द जो है उसको आग लगती है, बट ये नहीं जली जी। इवन के इस आग में भी ये बच गई है, चनट्टी इसको बोलते हैं। और इतनी ठोस है ये कि इवन के अगर किसी के सर में मारा जाए तो सर आराम से फट सकता है जी। ए बकरोटी कैसी है, कैसी है? जंगल से होते होते हम तकरीबन अपनी मंजिल को पहुंचने ही वाले हैं। बट ये जंगल भी जो है ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तबाह हाल हो चुके हैं। अगर घास की बात करें तो जो है ना सारी घास को जो है वो आग लगाई गई है यहाँ पर। इवन के पीछे कुछ बकरियाँ चल रही थी और बिल्कुल उनका जो चारा है जो वो भी ख़त्म हो जाता है बेचारियों का, और छोटे छोटे जो दरख्त हो रहे होते हैं वो भी बिल्कुल जो है ना जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा ही है, बड़ा नुकसान। सो काइंडली फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत तकलीफ है या तो कह रहा अंगीठी बाली किन्या करो, तो बहर इन्हें जंगलों पर थोड़ा रैम करो। ये देखें जी इवन के यहाँ से आग स्टार्ट हुई है और वो ऊपर तक उस पीक तक जो है हर चीज़ जो है वो यहाँ पर जल चुकी है। बकरी जो है वो बेचारी अपने लिए चारा ढूँढ रही है, पर तो अब कौन बताए कि कुछ लोगों ने अपने मज़े के लिए और अपनी इंजॉयमेंट के लिए जो है वो सारे घास को आग लगा दिए। ये आप देख सकते हैं हर जगह जो है यहाँ पर आग लगी है। और जैसे जुहाद ने बताया कि जितने भी छोटे छोटे पौधे थे वो तो अब उगने से रहे, वो ऊपर आप देख सकते हैं इससे भी ऊपर जो है वो आग गई है। बहरहाल जी इस पॉइंट पर आके रास्ता जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी कोशिश हम करेंगे कि थोड़ा सा पहले मैंने कहा यहाँ से चलते हैं पार होते हैं। जवाद भाई आप ये पकड़े, मैं ज़रा वहाँ पर जाके देखता हूँ रास्ता है। स्टार्ट ही नहीं, स्टार्ट स्टार्ट ही चलो ये देख के यहीं पे रास्ता खत्म हुआ है। आगे आप आ जाए मुझे पकड़े, मैं आपको भी लेके आऊंगा। बहरहाल जी रास्ता काम है, ऐसा बहुत करना नहीं चाहिए, बहुत ही तंग है यहाँ पर, हम लोग तो आदि हैं कर लेते हैं। ऐसा ही है, बहरहाल जी हम पहुँचे और ये रही रोड जो वहाँ से नज़र आ रही थी,
अब जो है हमने अपना सफ़र रोड के ज़रिए ही करना है और अब तकरीबन 2-3 मिनट ही रह गए बस, फिर हम अपनी मंजिल पर पहुँच आएंगे, बल्कि पहुँच ही आए हम। ये हमारे कोई भाई जो हैं इस टॉप पर बैठे हुए कोई धूप लगा रहे हैं और साथ साथ जो है वो व्यू को इंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पर आके देखा है तो वो जो आग थी वो सिर्फ उस जगह पर नहीं थी, उस आग ने जो है वो हर तरफ हम कह सकते हैं कि जो है वो तबाही मचाई है नीचे से। और यकीन करें कि वहाँ से आग स्टार्ट हो रही है और मुझे नहीं पता कि शायद उससे भी नीचे से शायद स्टार्ट हुई हो आग, और बट बहरहाल आग ने जो है वो इस सारी जगह को अपनी लपेट में जो है वो लेकर सारे घास को यहाँ से ख़त्म कर दिया। जितना भी घास था, जितना भी चारा था, वो सारा ख़त्म हो चुका है। रोड जो है यहाँ पर बड़ी बेहतरीन है और ये अभी तकरीबन इसको आई थिंक एक साल हुआ है अभी बने हुए, साल या डेढ़ हो सकता है मे बी। और एक रोड ये कच्ची यहाँ ऊपर जा रही है, ये अपने घर की तरफ लेके गया कोई। बहरहाल जी हम अभी यहाँ पर पहुँच जाए और यहाँ से इस पीक से जो है वो आपको सारा व्यू करवाते हैं। अभी वालिद साहब भी मेरे मौजूद हैं यहाँ पर और वो वहाँ ऊपर हैं। कैसे सर? वालेकुम सलाम, ठीक है? अल्लाह का शुक्र सर। जगह बहुत खूबसूरत बट हर चीज़ राख बनी हुई है, हर चीज़ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। रोड जो है ये वहाँ से उतर रही है तकरीबन और ये इस रोड के साथ जो है जाकर मिलेगी, यहाँ पर रोड है। कैमरा हमारा नहीं इंसाफ कर पा रहा। बहरहाल जी इस पॉइंट से आप देख सकते हैं कि सामने पीसी भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर सामने अलियोट नज़र आ रहा है, इवन के पोठा भी नज़र आ रहा है इस पॉइंट से, और बड़ी खूबसूरत जगह है। और रोड बन गई और तो बहुत जल्द जो है ना यहाँ पर सोसाइटीज़ बनती हुई नज़र ना आए हमें। बिल्कुल, ये जो है डर हमें सबसे बड़ा रहता है। बिल्कुल मरी में जहाँ जहाँ पर रोड गई है वहाँ पर जो है वो सोसाइटीज़ जो हैं वो ज़रूर क्याम में आई हैं और इस बर्बादी के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। इवन के इतनी डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है कि और इतनी जिसे कहते हैं कि हालात ख़राब हो गए कि अभी जो है वो जनवरी आने वाला है और बल्कि हम कह सकते हैं कि दिसंबर का एंड है और इस मंथ में बिल्कुल कोई बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से बड़े मसाइल हैं। और अगर ये बारिश नहीं होती, बर्फ़ नहीं होती, तो गर्मियों में जो है वो बड़े मसाइल होंगे, हमें बड़े इश्यूज़ का जो है वो सामना करना पड़ेगा, पानी की किल्लत हो जाएगी और बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। बट आई होप जी हम जो है वो अपनी गलतियाँ जो हैं उनको सुधारें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम दरख्त लगाएँ और जितनी कंस्ट्रक्शन मरी में हो रही है अगर वो कम हो जाए तो ये बड़ा बेहतर होगा, क्योंकि इसकी वजह से बड़े जंगलात जो हैं वो कट रहे हैं और जंगलात का तकरीबन जो है वो ख़ात्मा हो रहा है। इनके जवाब भी जो है वो कह रहे थे कि इस पॉइंट पर आगे हम बैठेंगे, बट ये अब बैठने के काबिल नहीं रही। जवाब भाई अगर यहाँ पे हम बैठ गए ना, हाँ तो फिर घर में जो फिटाई होनी है वो फिर बिल्कुल लगा सकते हैं। कपड़े जो है वो खुद ही धोने पड़ेंगे क्योंकि हर जगह राख है भाई, ये आप देख सकते हैं और ये सारे पौधे जो है यहाँ पर जले हुए। बहरहाल जी बारिश ना होने की वजह से इतने मामलात ख़राब हैं कि साथ वाली जो पहाड़ी है वो भी क्लियरली बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। इवन के कश्मीर की पहाड़ियाँ जो यहाँ से बिल्कुल क्लियरली नज़र आती होती थी वो भी जो है वो धुंध के बायस जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। इवन के वहाँ पर पीछे जहाँ पे बर्फ़ पड़ती होती थी, आई थिंक तोली पीर वगैरह जो है ना वो भी नज़र आती थी यहाँ पर। बाहर में नज़र आती है, असल में सब सारा मौसम साफ होता है, बिल्कुल अभी जो है वो बिल्कुल। एक तो दूसरा बारिश अगर हो जाए ना फिर भी नज़र आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल कोई बारिश का नाम नहीं है। और बड़ी दुआ है मेरी, कब से मैं दुआ कर रहा हूँ कि कोई बर्फ़ शरफ हो जाए, कोई लाग शलाग बर्फ़ ना ही बनाई छोड़ा वह वही कह चल ना वह बर्फ वही ऊपर अल्लाह जी बर्फ़ चाहिए हो। बहरहाल जी जवाद भाई और मुझे एक चीज़ मिली है, ये एक फूल है, वतनी क्या है इसको जो है वो हम बचपन में उड़ाया करते थे। इसका एक क्लोजअप लें फिर हम इसका क्लिप बनाते हैं। और हैरानगी की बात यह है कि इस आग में जो है ये बच गया है। मारें जी ज़रा,
देखिए जी, ये उड़ गए, ये उड़ गए हैं जी। ये हम बचपन में जो है ना खेलते होते थे इसके बिल्कुल साथ। ऐसा ही है। सो बहरहाल जी, यहीं पर इस व्लॉग को एंड करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ टाइम और रुकना था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम बैठ नहीं सकते क्योंकि हर चीज़ को जो है वो आग लगी हुई है, और ये जितने भी जंगलात हैं जी, इनको हमने ही बचाना है। और अपने इस व्लॉग को एंड करते हैं इसी दुआ के साथ कि ये जो जितने भी जंगलात हैं हमारे, ये महफूज रहें और इनको प्रोटेक्ट करने की अल्लाह पाक हमें समझ दें, अकल दें, और हम जो है वो इनका तहफ्फुज़ कर सकें। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप धूप में आएँ और हवा का भी मज़ा ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब जो आदमी कहने का मतलब है कि इवन कि अगर आप गर्मियों में आएँ तो तब भी जो है यहाँ पर हवा जो है वो अपनी आबोताब के साथ जो है वो चलती रहती है। और बहरहाल जी, यहीं पर इस व्लॉग को एंड करते हैं, और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन जंगलात की जो है वो हिफाजत कीजिए, और अगर आप आग लगा देंगे तो जितने जो है वो छोटे पौधे होंगे वो सारे जल जाएंगे। आपका तो शौक़ है, आपने जो है वो एक तीली लगानी है या एक सिगरेट जो है वो उसको आपने जलता हुआ फेंक देना है, बट जो तबाही हो रही है वो तबाही आप लोग नहीं देखते, और इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो हम ही हैं, और उसका अंदाज़ा जो है वो हम इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी तक जो है वो बारिशें नहीं हो रही हैं, बर्फ़ नहीं हो रही, मौसम जो है वो बिल्कुल खुश्क हुआ है, बीमारियाँ हर जगह। सो उम्मीद है जी, और यही दुआ है कि हम जो है वो अपनी गलतियों से सीखेंगे, और इंशाल्लाह हम जो है वो इन जंगलात को जो है वो दोबारा से सरसब्ज व शादाब करेंगे, और दरख्त लगा कर इनको जो है वो दरख्तों से भर देंगे। सो बहरहाल जी, यहीं तक के इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।